हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होंगे। काफ़ी सारे भाई लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, हम लोग जिस पोर्टल पर जाके पीएफ के लिए लॉगिन करते थे वहाँ से जाके हमारा फॉर्म फिल करते थे, प्रोफाइल में लॉगिन होते थे या फुल एंड फाइनल के लिए अप्लाई, मतलब सब कुछ जहाँ पर जाके हम लोग करते थे, ईवन नंबर पासवर्ड डाल के जहाँ से लॉगिन करते थे, लेकिन ये वेबसाइट 4-5 दिन से यहाँ पर बंद है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है, क्यों बंद है और कैसे आप इस पे लॉगिन कर पाएंगे, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज जिस डेट पे मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, जिस तारीख पर इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, इस तारीख को आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए, 23 नवंबर, और साथ में यहाँ पर टाइम देख लीजिए 8:54, सवेरे 8:54 हो रहा है। मैं इस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो टाइम बता रहा हूँ इसका मतलब यह है कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं पहले का कोई वीडियो उठा के मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर टाइम भी आपके सामने बता रहा हूँ कि कौन सा टाइम यहाँ पर है। ये 23 नवंबर का वीडियो है और 8:44 सवेरे का। सो मैं अभी यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, मेरे मोबाइल पे आपका समय लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र को किया ओपन, उसके बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ EPFO मेंबर पोर्टल, आप इसी तरह सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही आपका सामने सबसे पहला जो लिंक है आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करने के पहले आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरा एक काम कर लीजिए, ऊपर दिए गए यहाँ पर जो एक रेड कलर का ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करें, बटन है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे हिस्ट्री पर। हिस्ट्री पर आने के बाद यहाँ पर क्लियर ब्राउजर डाटा पर आप क्लिक करके ये सब को यहाँ पर टिक करके आप क्लियर कर देंगे ऑल टाइम का। सो मैं यहाँ पर कर दिया क्लियर। उसके बाद आप बैक जाएंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले वाला जो लिंक है मेंबर होम लिख के आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको थोड़ा टाइम इंतज़ार करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पीएफ का जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डेस्कटॉप मोड को ओपन करके यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो पीएफ का जो वेबसाइट है आपका सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है, किसी भी तरह का यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ। सो मैंने ये वेबसाइट को कैसे किया, आपको सबसे पहला जो ट्रिक है मैंने कैसे ओपन किया, इसका सबसे पहला ट्रिक है आपका जो डाटा का जो हिस्ट्री है आप उसे क्लियर करेंगे, और दूसरा क्यों यहाँ पर ये लॉगिन नहीं हो रहा है सबका मोबाइल पे, मैं इसका अभी आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ EPFO, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर EPFO प्रोविडेंट फाउंड के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो EPFO का जो मेन वेबसाइट है ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये हो गया EPFO का मेन वेबसाइट है जहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर ऊपर देख से यहाँ पर रेड कलर का एक लाइन यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, ऊपर देख रहे एक लाइन यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर EPFO का जो वेबसाइट है यहाँ पर EPFO ऑफिशियली क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड की तरफ से लेफ्ट साइड है, देखिए यहाँ पर एक लाइन जा रहा है रेड कलर का, इस पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक मिनट रुकिए, उसको फिर से आने दीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है EPFO यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम एम्प्लॉयर एंड मेंबर पोर्टल विल बी नॉट अवेलेबल फॉर सम टाइम, इनकन्वीनियंस रिग्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से EPFO ने ऑफिशियली हम लोगों को बताया है कि समटाइम, यहाँ पर देखिए एक शब्द का यूज़ क्या है, यहाँ पर लिखा है समटाइम, मतलब कभी कभी ये प्रॉब्लम आपका साथ होगा। तो जब भी आप EPFO में लॉगिन करते हो तो आप टाइम का थोड़ा ध्यान रखें, खास करके मॉर्निंग 12 बजे के बाद से ये बंद रहता है, तो आप सवेरे सवेरे, जैसे कि मैंने अभी सवेरे लॉगिन किया तो लॉगिन हो चुका है, तो आप भी इसी तरह सवेरे इसको एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है आपका टाइम पे लॉगिन हो जाए। लेकिन ये यहाँ पर देखिए एक वर्ड यहाँ पर जो यूज़ किया है, यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर सम टाइम, मतलब कभी कभी, कभी कभी ये बंद रहेगा और कभी कभी चालू होगा। सो आपको इसके लिए आपको ध्यान देना है, अगर आप काफ़ी आपको अगर इमरजेंसी है, आपको अभी अभी पैसा निकालना है, तो आप एक काम कीजिए, आप सवेरे शाम को ऐसा चेक करते रहिए, कभी ना कभी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा और आप अपना काम को कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर लॉगिन इसके लिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पर
EPFO का जो वेबसाइट है यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चालू है। EPFO ने यहाँ पर क्लियर लिखा है, तो इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी हम क्या कर पा रहे हैं, लॉगिन नहीं कर पा रहे, और कभी कभी हम लोग लॉगिन कर पा रहे हैं। तो आपको खास करके अगर आपका अगर इमरजेंसी है, कुछ पैसा के लिए अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग टाइम में आके यहाँ पर चेक करेंगे और आपका जो हिस्ट्री है उसे क्लियर करके चेक करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल का प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल से आगे भी मिलते रहेगी।